हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है केसरी की नादानी। तो वाराणसी में गंगा के किनारे एक घना जंगल है। बहुत समय पहले की बात है, उस जंगल में एक सिंह राज्य करता था। उसका नाम था केसरी। केसरी की प्रजा उसे बहुत चाहती थी। था भी ठीक, क्योंकि केसरी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था, उसके दुख दर्द में साथ देता था, सभी की सहायता करता था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था और ना ही किसी को कोई अभाव था। पर केसरी में एक बहुत बड़ा दोष था, वह था स्वार्थी। यदि कोई वस्तु उसे पसंद आती थी तो उसे वह दूसरों को बिल्कुल नहीं देखता था। उसकी यह बात भालू, रीछ, बानर, लोमड़ी आदि किसी भी जानवर को अच्छी नहीं लगती थी। पर कहता कोई प्राणी कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह बड़ा था, राजा था, उससे सभी डरते थे। कहते भी तो कैसे? एक दिन की बात है, केसरी घूमने निकला। उसके साथ था उसका मंत्री भालू। उसका नाम था भास्कर। भास्कर और केसरी घूमते घूमते गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां भास्कर ने नाव में बिठाकर महाराज केसरी को सैर कराई। अचानक केसरी का ध्यान गया कि गंगा का पानी बह बहकर पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है। केसरी के राज्य की सीमा तो वहां समाप्त हो जाती थी, पर उसने देखा कि पानी बहकर उसके राज्य से बाहर जा रहा है। उसने अपने मंत्री भालू से पूछा, भास्कर, यहां से यह पानी किधर जाता है? मुगल सराय की ओर महाराज, पतवार से नाग आगे बढ़ाते हुए भालू मंत्री ने उत्तर दिया। मुगल सराय में नदी के पास जंगल में भी एक शेर रहता था, मुझे पता है। उस शेर से केसरी बहुत चिढ़ता था। केसरी को बहुत बुरा लगा कि उसके राज्य से पानी वहां जाए, वहां का राजा उस पानी को अपने काम में लाए। केसरी ने बिना सोचे समझे भालू को आज्ञा दी, मंत्री जी, इस पानी को दूसरे राज्य वाले जंगल में जाने से रोक दो। कल सुबह तक यहां बांध बन जाना चाहिए। मंत्री था बड़ा बुद्धिमान। यह सुनते ही उसका माथा ठनका। वह जानता था कि गंगा में पानी बहुत है, यदि बांध बनाया जाएगा तो उनके जंगल में बाढ़ आ जाएगी। उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक सिंह से कहा, महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि वह बांध बनाने से हमें ही नुकसान हो। तुमसे जो कहा जा रहा है वह करो, नथुने फुलाता हुआ शेर बोला। भालू करता भी क्या, वह चुपचाप बैठा रहा। नदी से वापस आकर भालू ने तुरंत सेनापति वानर देव को बुलाया, उसे राजा का आदेश पूरा करने को कहा। वानर देव ने तुरंत सेना के कुशल इंजीनियरों को बुलाया, उन्हें शाम तक बांध बनाने की आज्ञा दी। इंजीनियरों ने जल्दी से पत्थर, ईंट और सीमेंट जुटाए, फिर बांध बनाना शुरू किया। शाम तक मजबूत और सुंदर बांध बनकर तैयार हो गया। दूसरे दिन केसरी सूरज निकलने पर भी सोता रहा, पर जैसे ही उसकी आंख खुली वह भौचक्का रह गया। यह क्या, उसकी सारी गुफा में घुटनों तक पानी भरा था। बड़ी मुश्किल से पार करके सारी गुफा में होता हुआ वह गुफा के द्वार तक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पानी कहां से आ गया है। वह अभी सोकर उठा और आंखें मल ही रहा था। उसने देखा कि दूर से भालू मंत्री बड़ी तेजी से नाव खेते हुए वहीं आ रहा है। नाव को पास लाते हुए भालू बोला, जल्दी कीजिए महाराज, जल्दी से नाव में बैठिए, पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शेर उछल कर तुरंत नाव में जा बैठा। तब कहीं जाकर उसने चैन की सांस ली। फिर भालू से पूछा, इतना सारा पानी कहां से कैसे आया? बांध बनने से सारे जंगल में बाढ़ आ रही है, सभी जानवरों के घरों में पानी भर गया है, सेना सभी को निकाल निकाल कर ऊंचे पेड़ों पर बैठाल रही है। यह थी उस दिन की घटना। सारी घटना जानकर शेर अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। वह सोचने लगा कि पहले ही मंत्री की बात मान लेता तो ऐसी परेशानी कभी ना आती। उसने तुरंत सेनापति को बुलाया और तुरंत बांध तोड़ने की आज्ञा दी। सैकड़ों वानर इस काम में जुट गए। कुछ ही समय में बांध टूटकर गिर पड़ा। जंगल में आई बाढ़ दूर हो गई। तब सिंह ने चैन की सांस ली। नाश्ता करते हुए शेर भालू से बोला, मंत्री जी, आपकी बात न मानकर मैंने भूल की।
सभी को इतना कष्ट सहना पड़ा, पर मैंने सोचा कि सारा पानी जब हमारे पास रहेगा तो हम उससे अधिक फायदा उठाएंगे, पड़ोसी राजा से लेकर फिर उसे पानी देंगे। भालू बोला, महाराज नदी का पानी तो भगवान की देन है, उस पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही दूसरे का भी है। भगवान के ही बनाए हम सब हैं, भगवान ने ही सब चीजें दी हैं, सभी को मिलजुल कर उनका प्रयोग करना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। जो किसी चीज पर अपना अधिकार जमाता है वह जरूर दुख पाता है। केसरी की समझ में भी यह बात आ गई, वह सिर हिलाता हुआ बोला, ठीक कहते हो तुम, मेरी तुच्छ बुद्धि के कारण ही तुम सबको दुख उठाना पड़ा है। इस घटना ने मेरी आंखें खोल दी, अब से मैं अपने स्वार्थ को प्रमुखता नहीं दूंगा, दूसरों का भला सोचूंगा, क्योंकि स्वार्थी सदैव अंत में दुखी ही होता है। तो इस तरह से शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से ज्यादा दूसरों के हित के बारे में सोचना चाहिए और अपने स्वार्थ को हमेशा पीछे ही रखना चाहिए, इसी में सबकी भलाई होती है। ओके, बाय।